सब्सक्राइब करें ज्योति नेचर केयर और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड पोस्ट और घरेलू नुस्खे आप तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नेचर केयर में। आज हम जानेंगे गठिया यानी अर्थराइटिस और उसके कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। गठिया को बाइगाउट अर्थराइटिस से भी जानते हैं। इस रोग में जोड़ों, घुटनों और हड्डियों में दर्द और सूजन की शिकायत होती है। अगर सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो आसानी से गठिया के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ लोग घुटनों और जोड़ों के दर्द के उपचार के लिए दवा और मेडिसिन ले लेते हैं, तो कुछ लोग दर्द निवारण तेल और योग से अर्थराइटिस में दर्द के उपाय करते हैं। दवा और तेल के अलावा आप घरेलू उपाय और देसी आयुर्वेदिक नुस्खे से गठिया के दर्द का इलाज कर सकते हैं। आप घुटने, कूल्हे, कंधे, हाथ या पूरे शरीर में किसी भी जोड़ में गठिया का दर्द अनुभव कर सकते हैं। रूमेटिक गठिया में आपको थकान हो सकती है या प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि धीमी पड़ने के कारण सूजन हो जाने की वजह से आप भूख में कमी महसूस कर सकते हैं। आपको एनीमिया भी हो सकता है जिसके आपके शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है और साथ ही कभी कभी गठिया की तीव्र आक्रमण से रोगी को बुखार भी हो सकता है। गंभीर रूमेटिक गठिया का अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो यह जोड़ों को खराब करने का कारण बन सकता है। यह कैसे पता लगाया जा सकता है? लक्षणों के आधार पर कि हम किस तरह के अर्थराइटिस से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए चिकित्सक परामर्श की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें कई प्रकार की विविधताएं देखी गई है। जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन गठिया के सबसे प्रमुख लक्षणों में शामिल है। साथ ही संधिशोथ के दौरान आप प्रभावी अंग लाल पड़ सकते हैं, इससे आपके चलने की गति भी कम हो सकती है। कुछ लोगों में गठिया के लक्षण सुबह के समय ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप कुछ ही दिनों में गठिया का रोग का दर्द कम कर सकते हैं। गठिया की दवा घर पर बनाने के लिए थोड़ी सी अदरक ले और उसे पीसकर पाउडर बना ले। उसके बाद 3 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 6 चम्मच अदरक पाउडर और 6 चम्मच जीरा पाउडर मिलाकर रखें। इस मिश्रण को 1/4 भाग दिन में 3 बार पानी के साथ लेने से गठिया का दर्द कम होता है। घरेलू तरीके से अर्थराइटिस का इलाज में सबसे जरूरी पानी होता है। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे शरीर में मौजूद हानिकारक पदार्थ पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा इस उपाय से हुआ यूरिक एसिड भी बाहर निकल जाता है। संतरे और नींबू का रस शरीर में यूरिक एसिड कम करने में असरदारक है। रोजाना 1 ग्लास संतरे का जूस पिए। इसके अलावा 2 नींबू को 1 ग्लास पानी में निचोड़कर पीने से फायदा मिलता है। इस रोग में सोयामेल आलू का रस खाना खाने से पहले ले सकते हैं, इससे बहुत ही फायदा मिलता है। 1 ग्लास गाय के दूध में 8 से 10 कलियां लहसुन की डालकर 10 से 15 मिनट तक गर्म करें, ठंडा होने पर पिए। प्रतिदिन इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करके गठिया की समस्या में जल्दी आराम मिलता है। हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी होता है और यह सूर्य प्रकाश में ही होता है। सूर्य की किरणों में हफ्ते में 3 बार कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठा करें। इमली, दही, पनीर, मक्खन और कच्चा आम खाने से परहेज रखें। साथ ही अपना वजन का ख्याल रखें, वजन बढ़ने ना दें।
तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।